हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द यू पीसीएस फोरम सी पिछली क्लास में हमने देखा था ईस्टर्न घाट के बारे में और हमने देखा था कि ईस्टर्न घाट जो है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वो फॉल्ट माउंटेन नहीं है जो कि क्या है जो वेस्टर्न घाट है तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और वो क्या हो चुका है वो अब डेसेकटेड और डेसिडल माउंटेन के रूप में काम करने लगा है ठीक है और इसका जो नॉर्दर्न सरकार से वो कैसा वो ट्रू माउंटेनियस कैरेक्टर को शो करता है इसका हाईएस्ट पिक हमने देखा था महेंद्र गिरी मीटर पर है और हाईएस्ट पॉइंट था अमया कोंडा जो कि 1600 मीटर पर है सदर्न रेंज जो सदर्न पार्ट है ईस्टर्न घाट का वो क्या है ब्रोकेन था और वो पैरल नहीं है कोस्ट के जबकि हमने देखा था कि वेस्टर्न को वेस्टर्न घाट जो है वो पैरल टू द वेस्टर्न आज हम देखेंगे छोटा नागपुर के बारे में। इसके पहले पहले वीडियो को को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब 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 और 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 नहीं किया तो ज़रूर करें और शेयर भी करें। और हमारे टेलीग्राम प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सिल्ड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है और इसका जो लास्ट इवेंट था जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है ड्यूरिंग हिमालयन और जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था तो इसका लास्ट क्या था लास्ट फॉर्मेशन पीरियड था तो हमने क्या देखा कि छोटा नागपुर भी क्या है वो भी एक सिल्ड का पार्ट है और इसकी लास्ट रिलीफ लास्ट रिजर्वनेशन कब होता है लास्ट हिमालयन के टाइम पे होता है जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो क्या है वो हजारीबाग प्लेट्यू है इसका थ्री पार्ट है जैसे कि हमने देखा ये नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हजारीबाग सदर्न पार्ट है रांची प्लेट्यू एंड ईस्टर्न प्लेट पार्ट है क्या हिल्स तो हजारीबाग राज्यू जो है वो स्मॉलेस्ट बट हायर पार्ट है तो हजारीबाग प्लेट्यू क्या है वो स्मॉलेस्ट एंड हायर पार्ट है सदर्न पार्ट रांची है जो कि लार्जर बट लोअर रेंज है ओके okay? और हजारीबाग हायर है रांची प्लेट्यू से हायर है बट स्मॉलर है हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो मोर इंपॉर्टेंट कोल रीजन के बारे में जाना जाता है राजमहल रीजन जो है फॉर्म थ्रो करगुलियन हॉटस्पॉट हमने देखा था डेकन प्लेट्यू जो है वो भी एक हॉटस्पॉट के थ्रू तो बना हुआ है री यूनियन हॉटस्पॉट के जबकि राजमहल हिल्स जो है वो कौन से हॉटस्पॉट के थ्रू तो बना हुआ है करगुलियन हॉटस्पॉट्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन होता है वो हाईली मिनरलाइज जोन है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रांची प्लेट्यू रांची क्या मोर एक्सटेंशन देन हजारीबाग प्लेट्यू क्या स्मॉलर बट हाइयर है जबकि रांची प्लेट्यू का एक्सटेंशन जो है वो हजारीबाग प्लेट्यू से ज्यादा है राजमहल हिल्स पे ही हमें क्या देखने को मिलता है राजमहल हिल्स पे हमें देखने को मिलता है हाइएस्ट पीक जिसका नाम है पारसनाथ ये जो हाईएस्ट पीक है ये छोटा नागपुर का भी हाईएस्ट पीक है मतलब छोटा नागपुर जो सिल्ड है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है वो पारसनाथ है और पारसनाथ किसका पार्ट है पारसनाथ पार्ट है राजमहल हिल्स का छोटा नागपुर में हमें लॉर्ड्स ऑफ पैटलैंड आर फाउंड इन हजारीबाग एंड छोटा नागपुर के हजारीबाग और रांची प्लेक्ट में हमें बहुत सारे पैटलैंड देखने को मिलते हैं ओके okay? छोटा नागपुर ओल्ड पेनी प्लेन है सिंगबम ओल्ड पेनी प्लेन सिंगबम प्लेट्यू रीजन है फॉर्म्ड ऑफ मतलब ये छोटा नागपुर तो प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है सिंगबम प्लेट्यू का पार्ट है और ये किससे बना हुआ है ये बना हुआ है इग्नियस रॉक से नेक्स्ट देखते हैं मेघालियन प्लेट्यू मेघालियन प्लेट्यू क्या है मेघालियन प्लेट्यू है कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो क्या है

गारो राजमहल गैप तो जो मेघालय प्लेचू है और जो मेन पेनसुलर इंडिया है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है जबकि वो पहले एक दूसरे से कनेक्टेड थे दोनों एक दूसरे के ही पार्ट थे लेकिन वो अब सेपरेटेड हो गए और उस सेपरेटेड के बीच में कौन सा गैप है वो सेपरेशन के बीच में गैप है गारो राजमहल गैप गारो राजमहल गैप तो हमने देखा कि ये मेघालय प्लेट्यू है ये मेगालोब्लॉक और ये फ्रैक्चर और फॉल्टिंग की वजह से जो बीच का जो रॉक है वो क्या हो सबसाइड कर जाता है और सब्सिडेंस की वजह से क्या होता है एक गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप को क्या कहते हैं गारो राजमहल गैप कहते हैं ऑल्दो ये गैप जो है वो डिपोजिटेड हो गया है गंगास एंड इस ट्रिब्यूटरीज की वजह से गंगा और ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो भी डिपोजिशन लाया जाता है उनकी वजह से ये गैप फिल्डअप हो गया है बट इससे लोग ये क्रिया क्रिएट करता है ये सेपरेशन क्रिएट करता है किसके किसके बीच में मेघालय और पेनेसुलर इंडिया के बीच में इसका जो स्ट्रक्चर है किसका मेघालयन प्लेटों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है क्योंकि ये किसका पार्ट है ये पार्ट है पेनसुलर इंडिया का ग्रेनेटिक रॉक से और निसेंगली मेटामोर्फोस्ड हुआ ये जो रॉक है वो क्या है स्ट्रॉन्गली मेटामो है एवरेज रिलीफ है इसका 1200 से 1500 मीटर मेन पार्ट है इसका गारो खासी जेंतिया रिंगमा एंड बरेल रेंज तो इसके जो मेन पार्ट है वो क्या है गारो खासी और जेंतिया ये किसके हैं ये गारो खासी जैनते आपको कहां पे देखने को मिले ये मिलने किसके पार्ट है ये मेघालय प्लेटो के पार्ट है रिंगमा और बरेल जो रेंज है रिंगमा और रिंगमा जो रीजन है वो किसके बीच में बॉर्डर बनाते हैं वो असम और नागालैंड के बीच में बनाते हैं है। और बरेल रेंज किसके बीच में बॉर्डर बर... बनाते हैं असम और मेघालय के बीच में सदर्न स्लोप है इसका स्टीप नॉर्दर्न स्लोप है जेंटल तो मेघालय प्लेटी का जो नॉर्दर्न स्लोप है वो क्या है वो जेंटल है जबकि सदर्न स्लोप क्या है स्टीप है जो तो नॉर्थन स्लोप जेंटल है तो वहां से क्या होता है, है।, है। okay? हो हो बांग्लादेश में, में इसी बराक रिवर को मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है कोस्टल प्लेन अब हम कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट तो एंड ईस्टर्न कोस्ट के बारे में देखेंगे तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है वो समर्जेंट कोस्ट है मैंने पहले ही बताया कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हुआ है जो वेस्टर्न कोस्ट में हमें वेस्टर्न घाट जो देखने को मिलते हैं, तो वो क्यों देखने बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग और फॉल्टिंग की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ है वेस्टर्न घाट का तो कोस्ट जो है वो क्या है वो समरजेंट कोस्ट है सब्सिडेंस ऑफ रॉक्स की वजह से हुआ ड्यू टू दिस इट इज नेहरो और इसकी वजह से क्या है कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है ईस्टर्न कोस्ट जबकि क्या इमरजेंट कोस्ट है ये वाइडर है और वाइडर होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल हार्बर जो है वो एफसेंस है इसीलिए आपको जो मेन पोर्ट जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखना वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा और वो ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ईस्टर्न पार्ट में हमें ग्रेटर डिपोजिशनल देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा मिलता है ग्रेटर डिपोजिशनल फीचर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो रिवर होती है वो क्या करती है ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंशन इसका एक्सटेंशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉड बाई रिवर्स एंड इट्स इट इज ड्यू टू दिस इट इज वॉडर वाइडर क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर क्या करती है ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में और इसका जो फीचर है वो क्या है वो डिपोजिशनल फीचर और इस वजह से हमें ईस्टर्न घाट पे क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है सैंड ड्यून्स बीचेस कोस्टलाइन जो है वेस्टर्न कोस्ट का वो क्या है इन इंडेंटेड है मतलब ऐसे है और जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका जो कोस्टलाइन है वो कैसा है स्मूथ है और वेस्टर्न कोस्ट में क्या देखने को मिलता है एश्चुरीज देखने को मिलते हैं एंड क्लिफिन नेचर क्लिफिन नेचर क्यों है बिकॉज़ ऑफ सबमर्जेंट कोस्ट को कहास्टर्न कोस्ट में जब मैंने draining, रिवर सिस्टम पढ़ाया था ना तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न जो रिवर है वो क्या है वो पैरल रिवर है पैरल रिवर सिस्टम बनाते हैं पैरल ड्रेनेज पैटर्न हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं तब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में तो क्राइटेरिया क्या है नेचर नेचर तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कैसे है है वो समर्जेंट ईस्टर्न कोस्ट कैसे वो इमर्जेंट है? है है विड्थ विड्थ क्या नैरो वेस्टर्न कोस्ट का और ईस्टर्न कोस्ट का ब्रॉड है बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल फीचर कोस्ट लाइन कैसे इनडेंटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टोरिज एंड इट्स क्लिफी नेचर

मतलब एक तो उनके पास सिल्टेसन की कमी होती है दूसरा उनको लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ता उनको शॉर्ट डिस्टेंस जाना होता है और यहाँ का जो रिवर जो सिस्टम है ये पेनेंसुलर रिवर होती है पेनेंसुलर तो इनकी जो इरोजिव कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है रिवर डायरेक्टली ड्रेन इन टू सी जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट की जो रिवर है वो लार्ज रिवर डिपोजिट है क्योंकि ये हिमालयन रिवर है ये अभी यूथ स्टेज में और यूथ स्टेज में होने की वजह से क्या होता है ये बहुत सारा

कोस्ट में प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय साउथ वेस्ट मॉनसून एंड रिसीव्ड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग समर सीजन तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे प्रेसिपिटेशन का कैसे होता है मेनली साउथ वेस्ट मॉनसून से होता है जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट है और साउथ वेस्ट मॉनसून कब होते हैं वो समर सीजन में होता है जब सन का अपरिं मूवमेंट होने लगता है कहां पे नॉर्थवर्ड न कोस्ट इंफ्लुएंस मेनलीस्टर्न कोस्ट में जो मेनली कोरोमंडल कोस्ट है वो किससे इंफ्लुएंस होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून है आपने पढ़ा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उससे कहां पर एकमात्र रीजन है जहां पर रेनफॉल होता है वो है तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट एंड रिसीव ग्रेटर प्रिट्रीबन इन विंटर सीजन ठीक है प्रोनेस टू हजार्ड जो वेस्टर्न कोस्ट है वो लेसर प्रोन है हजार्ड का जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो क्या है वो ज़्यादा प्रोन है हम देखेंगे जब हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमने देखेंगे कि जो लो प्रेशर सेंटर है ना वो ईस्टर्न रीजन में जो बे ऑफ बंगॉल है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है और जैसे ही वो एरेबियन सी के साइड जाता है तो वो लो प्रेशर सेंटर है वो क्या होता है वो टेन परसेंट के रेंज से कम होते ज़्यादा आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं रिलीफ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो नॉर्दर्न पार्ट है पेनिनसुलर का पेनसुलर स्लोप नॉर्थ वर्ड्स रिवर लाइक ये मैंने पहले भी पढ़ाया था लेकिन अभी देख लेते हैं नोट में इसको नॉर्दर्न पार्ट है जो पेनिनसुलर स्लोप का वो क्या है उसका जो स्लोप है वो क्या है नॉर्थवर्ड्स है और रिवर लाइक चंबल बनास बेतवा केन सोन इट इज स्लोप टूवर्स नॉर्थ